असलम एवरी वन कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे मैं हूं डॉक्टर मरियम अजीज एंड आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि यूरिक एसिड में जो हाई प्यूरिन फूड्स मना किए जाते हैं तो वो कौन कौन से फूड है जो की हाई प्यीन फूड है और कौन सी फूड जो की लो प्यूरिन फूड्स हैं और अगर आप जाना चाहते हैं की यूरिक एसिड क्या है और यूरिक एसिड को हम अच्छे से डाइट के थ्रू किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं तो उसके लिए आप मेरी पहली वीडियो जो है वो देख सकते हैं आप बात करते हैं कि हाई प्यूरिन फूड्स कौन कौन से है और हम उनको ग्रुप्स डिवाइड कर लेते हैं यानी कि न्यूट्रिशन में हमारे पास फाइव फूड ग्रुप्स आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन सो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास आ जाती हैं ब्रेड्स या फिर रोटी चावल जितना भी आटा है या बारले है जौ है जो भी ऐसी चीजें हैं उनको हम कंसिडर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में तो जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं सब के सब लो प्यूरिन होते हैं यानी कि अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है या आप यूरिक एसिड को डाइट के थ्रू ट्रीट करना चाह रहे हैं तो आप कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स ले सकते हैं आपको कोई भी चावल रोटी या ब्रेड जो है वो मना नहीं है लेकिन कोशिश करें कि जितनी भी चीजें हैं वो होल ग्रेन रहे ताकि आपकी जो डाइट है वो भी हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट हो सके अब बात करते हैं फ्रूट्स के फूड ग्रुप की जो फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे लो प्यूरिन में ही आते हैं लेकिन दो तीन ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हाई प्यूरीन फ्रूट्स हैं जैसे कि किशमिश जिनको रेजन बोलते हैं वो हाई प्योरीन है इसके अलावा जो ग्रेप्स हैं वो भी हाई प्योरीन फूड्स में आते हैं और स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आप हाई फ्रुक्टोज तो कर सकती है तो अगर आपका यूरिक एसिड हाई है या आप अपने यूरिक एसिड को ट्रीट करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि फ्रूट की कंजम्प्शन जो है वो कम रखें और वेजिटेबल्स की कंजप्शन ज्यादा रखें क्योंकि फ्रूट्स में होता है फ्रुक्टोज और वो आपके यूरिक एसिड को इंक्रीज करने में रिस्क हो सकता है उसके बाद फूड ग्रुप आता है वेजिटेबल्स का और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जितनी भी सब्जियां हैं वो सब की सब लो प्यूरिन फूड्स हैं यानी कि आप सब्जियां यूरिक एसिड में जितनी मर्जी खाएं ऑल दो वो आपको हेल्प करेंगी यूरिक एसिड को कम करने में और कोई भी सब्जी आपका यूरिक एसिड इंक्रीज नहीं करेगी तो सब्जियां और कार्व जो है वो आप ज्यादा ले सकते हैं उसके बाद बात आती है फैट के फूड ग्रुप की फैट्स जो है जिसमें हमारे पास सीड्स आ जाते हैं हमारे पास ड्राई फ्रूट्स आ जाता है जितने भी ऑयल्स हैं वो सब आ जाते हैं तो जितने भी फैट्स या ऑयल्स की फॉर्म है वो हमारे पास लो प्यूरिन होती है यानी कि आप वो ले सकते हैं और फैट्स जो हैं खास तौर पे जो फिश ऑयल्स हैं या सीड के जो ऑयल्स हैं वो ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स में हाई होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और यूरिक एसिड के लेवल्स को भी मेनटेन करने में हेल्प करते हैं द लास्ट फूड ग्रुप इज़ मीट जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है और खास तौर पर यूरिक एसिड आपका हाई तब भी होता है जब आप मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं क्योंकि जो मीट है उसके अंदर प्यूरन्स की क्वांटिटी बहुत हाई होती है

उसके बाद हमारे पास दालें आती हैं और दालें जो हैं वो हाई प्यूरन फूड हैं उसको हमने कम से कम ही लेना है यूरिक एसिड हाई में ख़ास तौर पर जो हमारे पास काले चने होते हैं हमारे पास तो जो वाइट चने होते हैं चने की दाल होती है या फिर जो हमारे पास माँस की दाल होती है ये हाई प्यूरिन में आती है और इनको तो आपने कम से कम लेना है अगर आप दाल लेना चाहते हैं तो या आप मसर ले सकते हैं या फिर मूंग मसूर की दाल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी लो प्यूरन होती है लेकिन वो भी आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करनी हफ़्ते में एक दो बार ठीक है और लास्ट चीज है एल्कोहल एल्कोहल एल्कोह। भी आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्यूरिकाउट को इंक्रीज करती है और आपके आपके यूरिक एसिड को को गाउट जो है वो इंक्रीज कर सकती तो फिर प्रोटीन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हम ले सकते हैं सबसे पहले प्रोटीन में हम ले सकते हैं फिश सालमन टूना और सार्डीस को छोड़ के हम सारी फिश जो है वो ले सकते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है रहू फिश वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है और वो लो प्यूरिन फूड कंसिडर होती है उसके बाद हम चिकन ले सकते हैं चिकन भी एक लो प्यूरिन फूड कंसिडर होता है और हम ग्रीन ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन की क्वांटिटी हाई होती है और वो लो प्यूर फूड है अब अगर हम दालों की बात करें तो दालों को तो हम वैसे ही अवॉइड कर रहे हैं तो उसकी जगह जितने भी बीन्स हैं हैं वो वो हम ले सकते क्योंकि लो होते हैं जैसे कि हमारे पास रेड बीन्स हैं हमारे पास जो ग्रीन बीन्स हैं जिसको हम जो है वो मटर कहते हैं या फिर हमारे पास जो लोबिया है हम वो ले सकते हैं वो लो प्यूरिन और वो आपके यूरिक एसिड को इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा उसके अलावा सबसे ज्यादा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है हमारे पास अंडे एग्स जो है वो लो यूरिन फूड्स हैं और उनके अंदर उमेगा थ्री उमेगा सिक्स एसिड्स भी होते हैं जो कि आपके यूरिक एसिड के लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे सो so सो ये सारी प्रोटीन जो हैं हैं वो हम ले सकते हैं। so अगर किसी का यूरिक एसिड इंक्रीज है तो वो अगर इन सब फूड्स को मद्देनजर रखते हुए खाएगा तो वो अपने यूरिक एसिड लेवल्स को डाइट के थ्रू कम करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेलाइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे तो अब मैं चलती हूं आपको मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय